जुले आपका होस्ट और दोस्त ईसा खान फिर एक बार हाजिर है स्पीति की नई सीरीज के साथ। स्पीति का नाम किसने नहीं सुना, हिमाचल का सरताज है स्पीति। आपको मालूम है स्पीति का मतलब है मिडलैंड, बोले तो तिब्बत और इंडिया के बीच की जमीन। खैर आगे बढ़ते हैं। स्पीति जाने के दो रास्ते हैं, पहला जो मनाली रोहतांग पास होते हुए गुजरता है पर विंटर्स में बंद रहता है, और दूसरा जो शिमला होते हुए जाता है और साल भर टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। तो इस दफा मैं अपने तीन अजीज दोस्तों के साथ शिमला वाले रूट से फिर स्पीति की ओर निकल पड़ा। माइंड इट, ये मेरा स्पीति का तीसरा ट्रिप है और मैं वादा करता हूं कि इस एपिसोड में आपको कंप्लीट ना तो सिर्फ ट्रेवल इंफॉर्मेशन मिलेगी बट स्पीति के ऐसे स्पॉट्स रिवील होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, वो भी हसीन नजारों के तड़के के साथ। तो देवी और सज्जनों अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हाँ। स्क्रीन को फुल कीजिए और स्क्रीन रेजोल्यूशन को 4K पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम जन्नत की उड़ान के लिए तैयार हैं। इन 3, 2, 1। एक मिनट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है यार, आगे बढ़ने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। नाउ विदाउट फर्दर अडू, हैवी को। तो बोल दीजिए जरा, इधर इधर इधर। कितने खुश लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। स्पीति जा रहे हैं, खुश जा रहे हैं। बड़ा सुबह चाय पी के ना मेरा पेट इतना खराब हुआ था, आप लोगों को तंग कर सकता हूँ गाड़ी में मैं। अच्छा, मिलिए हमारे सयन भाई से, दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन पेट के नहीं। जनाब का पेट बड़ा जल्दी खराब हो जाता है और उसका भुगतान इनसे ज्यादा इनके साथ ट्रेवल करने वालों को करना पड़ गया। वो कैसे, वो आप खुद ही देख लीजिए। ढेर सारी बमबारी करने के बाद हमें लगा कि थोड़ी देर में हम पे रहम खा लेंगे। खैर हम भी बड़े नादान, हमें क्या खबर कि सयन भाई का ये बमबारी करने का जो सफर है पूरे स्पीति ट्रिप में ऐसे ही बरकरार रहेगा। खैर दोस्त हैं तो ये भी सह लिया, कोई और होता ना तो बाखुदा बॉर्डर के तरफ पीट करके खड़ा कर देते। हाजरीन महफिल, ईसा खान का आपको प्यार भरा सलाम। हम इस वक्त शिमला की तरफ बढ़ चुके हैं, कैमरे के पीछे सैन भाई, लाइट पकड़े हुए आयुष भाई और गाड़ी चला रहे हैं मीर भाई, और यहाँ ईसा भाई नहीं लगा रहे मेरे नाम के आगे, ठीक है, लड़के लगा सकते हैं खाली। एनीवेज तो अभी हम लोग निकल चुके हैं शिमला के लिए और शिमला के बाद में हमारा प्लान है कि आज हम कल्पा पहुंचेंगे और कल इंशाल्लाह नाकू की तरफ। ये कहानी आपको खुद मालूम पड़ जाएगी व्लॉग में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्या शैन भाई, लाइक बटन। देखिए ना मैं इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ आप वापस आएंगे फिर से लाइक दबाएंगे, देखो पसंद तो आना ही है आपको, तो लाइक बटन से शुरुआत करते हैं। अच्छी शुरुआत होगी तो आगे चल के चीज़ और भी अच्छी होंगी, तो लाइक बटन अभी दबाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और उसके बाद में आगे व्लॉग देखिए, 600 वाले एकदम तो मजे आने वाले, शानदार। देखिए ईसा भाई के सारे व्लॉग ऐसे ये एडिट करते हैं, यस, कि अभी जो एडिट करेंगे एक कट मार के दिखा दीजिए खतरनाक सा, बस अभी इसके बाद आएगा एक ट्रांजिशन, 1, 2, 3। I could
could never settle down. Too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. इस शख्स को तमाम बर्फ पिघला दी इसने शिमला की। अगर कल शिमला में बाढ़ आती ना, सारा का सारा जो श्रेय जाएगा, क्रेडिट जाएगा, वो जाएगा सारे साइन भाई को। खतरनाक वाली ठंड हो रही है अभी शिमला। मैंने इतना ज्यादा ठंडा कभी नहीं देखा है। और बहुत साढ़े पांच कितने होने साइन में? साढ़े पांच हो गए भाई। डिनर बोलने वाला हूँ, दिमाग चल चुका है मेरा, लंच भी नहीं किया। एक हमको हिल टॉप ढाबा यहाँ मिला हुआ है, तो यहाँ पर पेट पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ठंड हो रही है खतरनाक वाली, मेरी उंगलियाँ यहाँ पर जम गई हैं। ये हमारा वॉकी टॉकी द शौकी है, शौकी नहीं है, वॉकी टॉकी है। सैन भाई जल्दी से वीडियो बनाते हैं और चलते हैं यार। नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नारकंडा में। यहाँ पर तमाम बर्फ जमी पड़ी है, इतनी ठंडी हो रही है, क्या ही बताऊं। ग्लव्स पहन रखे मैंने, नीचे दिखाई क्या नजर एक बार। नीचे तीन लोअर्स हैं मेरे पास, ये मेरे ग्लव्स हैं, ये मेरा टोपा है जिसमें बहुत ही फुद्दू वर्ड यूज कर सकता हूँ लग रहा हो, बट ठीक है, ठंड में सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। नारकंडा से अभी कल्पा निकलना है, यहाँ से हमको कितना लग जाएगा टाइम? 6 घंटे और लगेंगे यहाँ से कल्पा के, कल्पा पहुंचना है, कल्पा में जाके फटाफट शूट भी करना है कल। तो फिलहाल इतनी कहानी सुनाने आए थे आपको, ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, तो चलते हैं, इजाजत दीजिए। नमस्कार, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट जी। आगे का ब्लॉग देखें आप। एक सेकंड, ये बी रोल लो, पता कर लो। नहीं, एक मुझे बोलना है। बोलो। देखिए, सर्दी का बिल्कुल ठिठोरने वाला मौसम है, और बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसा वगैरह ट्रैवल कर पा रहा हूँ। कैंपेन में ट्रैवल किया था भाई, खुशी थोड़ी हो रही। आप बोलो। तो बड़े टाइम बाद ईसा भाई ने हमने प्लान किया कि छुट्टी करेंगे, काफी टाइम बाद, तो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे हम पिछली ट्रिप में। रास्ता कुछ ऐसा है, बिल्कुल ही फ्रोजन, ब्लैक आइस, और स्पीति पहुंचे भी नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह। हे भगवान, या तो आज कल्पा ले जा अपने पास, ले जा। नहीं भाई, संभल के, नहीं भाई संभल के। ओ, काम हो गया खराब। चलिए सर भाई, तो काम खराब कहें या सही कहें, विंटर स्पीति के लिए आ रहे हैं, तो भाई देखिए ये सब चोचले तो लगे रहते हैं। अब भी यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा इर्द गई है। एक बारी मैं ऐसे बैठे बैठे फिसल रहा हूँ, तो पाउडर हो रखा है बिल्कुल, और बर्फ एकदम फ्लैट हो रखी है, जमी हुई रोड के ऊपर। तो यहाँ पर गाड़ी नहीं चल पा रही बिल्कुल भी, पूरी ऐसे नाच रही इधर से उधर रोड के ऊपर। तो यहाँ पर हम ये चेन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी ये चेन्स हम अभी लगा रहे हैं अपने टायर्स में, ताकि हम लोग सेफली इंशाल्लाह कल्पा तक पहुँच जाएँ। बाकी दुआ वगैरह पढ़ के बैठे हुए यार गाड़ी के अंदर। लाइक दबा दीजिए यार, लाइक दबा दो यार, वीडियो देख के चले जाते हैं लोग, लाइक नहीं दबाते। तो यहाँ पे लाइक दबाएं और सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन होता है वो भी दबाएं, और व्लॉग अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वगैरह में दिखाएं। चेन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर विंटर स्पीति में आ रहे हैं तो चेन्स एटलीस्ट सेफ साइड पे रहने के लिए जरूर रखें, क्योंकि अगर ऐसा आपके सामने मौका आ गया कि गाड़ी चल ही नहीं पा रही है, बर्फ इतनी है कि गाड़ी स्लिप कर रही है, तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को जहन में अपने ज़रूर रखें, और इंशाल्लाह आप साथ खरीद के पहुँच जाएंगे। Few moments later. सर भाई क्या सीखा हमने? भाई हमने सीखा कि स्नो चेन घर से चढ़ाना सीख कर आओ। यहाँ पे स्नो चेन हम लोगों से अभी नहीं चढ़ी है, तो फिलहाल दोनों टायर की हवा कम करके हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। लेकिन भैया स्नो चेन वगैरह चढ़ाना सीख कर आइए। आप परेशान तो नहीं है सर भाई? परेशान नहीं, जिंदगी दो दब पल की होती है, ट्रैवल तो यही है। हरीश भाई, हे भगवान आज निकाल दे, मैं सारी बुरे कर्म छोड़ दूंगा अपने। तो ये रात को खतों से खेलते हुए, और आंधियों को चीते हुए, और पत्थरों को डुबाते हुए,
हम पहुंच गए हैं जी ताज होम स्टे टापरी। टापरी में क्या टाइम हो रहा है? सेन में भी मत पूछे टाइम क्या हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। तो हमने किन्नौर वाला रूट जो है वो अभी रात में कवर किया है। ये बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बाकी लोगों के लिए। हम लोग ने कोई हीरोपंती में नहीं, बट हम लोगों के पास वक्त नहीं था तो हमको कवर करना था। काफी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं और गिर भी रहते हैं। गिर नहीं रहते, पड़े हुए मिले थे हमें रोड पर। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि रात में इस सफर को तय ना करें, स्पेशली किन्नौर वाला जो रूट है इसको अवॉइड करना। सही बात है। स्नोफॉल क्या लगता है ईसा भाई? -3 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहे हैं अभी और यहाँ टापरी पहुंच से स्नोफॉल शुरू हो गया, क्या कहने। देखिए जो भी हुआ है आज किसी की दुआ पूरी हुई है। आयुष भाई इधर आइए, कैमरे पे आइए, दादा आइए। इन्होंने स्नोफॉल नहीं देखा था तो जितने भी थके हारे हैं देखिए इसका एक अलग मजा होता है। और यू शुड गो इन द स्नो एंड प्ले।